Hello everybody, how are you all? How was your day going? So हमारा session चल रहा था formulas पे of class 9 chapter number 13 के हम formulas कर रहे थे of measuration को. So हमने इसके अंदर square और cuboid का अच्छे से समझ लिया था, literal plus total surface area. So आज बारी है guess. Yes, आज बारी है सिलेंडर की. सो ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सिलेंडर. सो हमारे पास एक इमेज है सिलेंडर की, मतलब इमेज नहीं, मान लो रियल सिलेंडर है पेपर का, ठीक है. वो कुछ इस तरह का है. देन मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने जॉइंट कर रखा है इसको बाय टेप या कुछ भी कहो, ठीक है. यहाँ से मैंने जॉइंट कर रखा है इसको, मैंने यहाँ से इसको खोल दिया तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ऊपर एक सर्कल होगा, देन एक शीट, देन नीचे एक सर्कल, ठीक है. तो जब हम सिलेंडर को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टू सर्कल्स आएंगे हमारे पास, मतलब ये तो मैंने ओवल्स बनाए लाइक दिस, इस तरह के सर्कल्स आएंगे, और एक आएगा हमारे पास रेक्टेंगल. ओके, सो एक आएगा हमारे पास रेक्टेंगल, ये स्क्वायर भी आ सकता है, इट्स नॉट मैटर. वैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल आएगा. सो अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसका एरिया निकालने के लिए? इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. हमने सिंपल एक रेक्टेंगल बना लिया, मान लो एक खुला हुआ रेक्टेंगल है, ये दो सर्कल्स हो गए, देन ये है हमारी हाइट यानी कि एच, और ये होगा हमारा टू पाए आर, राइट. ये रेडियस है दोनों का, और रेडियस का तो आपको पता ही, एरिया सिंपल सर्कल का क्या होता है? पाए आर स्क्वायर, राइट. एंड देन इसका होगा टू पाए आर मल्टीप्लाई बाय एच, तो ये हुआ टू पाए आर एच, देन इसका हुआ पाए आर स्क्वायर जैसे इसका था. सो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, बार इसको मिटा देते हैं हम देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी. ओके, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, जो हमारा एक सर्कल का एरिया होगा वो होगा पाए आर स्क्वायर, एंड देन हमारे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा टू पाए आर एच, एंड देन हमारे सेकंड सर्कल का भी होगा पाए आर स्क्वायर. सो अब इसको प्लस करना है तीनों को, पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. सो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, एक सेकेंड वेट. ओके, सो हम ये इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लाइक पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर. सो यही हमारे पास आएगा कुल मिला के. देन हमने इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, टू पाई आर स्क्वायर को, टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर क्या होगा? टू पाई आर स्क्वायर, राइट, यही होगा ना, प्लस टू पाई आर एच. देन कॉमन निकाल लिया हमने टू पाई आर, सो ब्रैकेट में आया आर प्लस एच.
सो हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया जो है 2πr r + h। सो आई होप कि आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा सम भी करके देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2πr r + h, राइट। सो इससे रिलेटेड मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है, हमारे पास हाइट है 8 एंड देन हमारे पास रेडियस है 14। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, 2 × 22/7 r, रेडियस है हमारे पास 14। ठीक है, देन ब्रैकेट में r + h, 14 + 8। सिंपल सी क्वेश्चन है, 1 एंड देन 2 पे कट गया, 2 × 22 44 × 2 88 88 × 14 + 8 22 × 88। सिंपल सा ही आ गया हमारे पास इक्वेशन। इसको एक बार इरेज करते हैं। हमारे पास आया था 22 × 88। सो देन हम इसको सॉल्व करते हैं, 88 × 22 हुआ 82 सा, ऑब्वियसली सभी को पता है 16 एंड देन 17 और यहाँ पे क्रॉस 6 7 1 एंड देन हमारा आंसर आएगा 6 7 + 6 ऑब्वियसली 15 एंड 1 कैरी एंड देन 8। सो ये है हमारा आंसर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय फॉर नाउ और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो और लाइक तो ज़रूरी कर देना। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।